सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है मेरी हिजाबी गर्ल्स के लिए। मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, कमेंट्स में कि हिजाब का आप जो है अंडर कैप कौन सी पहनती हैं, अंडर पे जो वॉल्यूम हम देते हैं वो कैसे देते हैं। तो मैं आपको यहाँ टू वेज में वॉल्यूम देना बताऊँगी, ठीक है, किस तरह वॉल्यूम दे सकते हैं अपने जो है हिजाब के नीचे। तो मैं आपको टू वेज में बताऊंगी और वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है, इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सही से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इजी वे में आपको बताऊंगी और कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले जो है ना, आपने जो नीचे अपने में पिंस यूज़ नहीं करती, ठीक है, वो बहुत हेडेक है, मुझसे पिंस लगती भी नहीं है, ठीक है। बन बनाने के लिए मैं बेसिकली सिंपल कैचर यूज़ करती हूँ, ये देखें इस तरह का, अभी जो मैंने लगाया हुआ है वो भी यही कैचर है, बस इससे थोड़ा बड़ा है। मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ, आपको इस तरह से दो, ठीक है, कैचर चाहिए, ठीक है। ये जो क्लिप्स होते हैं इजीली मिल जाएंगे मार्केट में, इससे बेटर ना मुझे ये वाला लगता है, क्योंकि बालों को ना अच्छी तरह समेट के रखता है, इसमें बाल खुल जाते हैं, ठीक है, बट साइज़ इतना होना चाहिए, ठीक है। मैंने जो अभी लगाया हुआ है ना वो सेम ऐसे, बस साइज़ में थोड़ा सा इससे बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा आपको एक क्लिप चाहिए बेसिकली, और जैसे आप इजीली अपना बन बनाते हैं उसी तरह आपने अपना बन बनाना है, कोई इसमें टेक्निक नहीं है, ठीक है। मैं अभी क्लिप्स ही यूज़ करती हूँ, मैं पिंस वगैरह नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। उसके बाद तो गाइस हम अपने पहले स्टेप की तरफ चलते हैं कि जो है आप किस तरह अपने हिजाब के नीचे वॉल्यूम दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको ऐसी एक अंडर कैप चाहिए, ये लाजमी है, ठीक है। थोड़े से पैसे इस पर इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि ये बहुत इतनी महंगी भी नहीं मिलेगी। मैं जो यूज़ करती हूँ ना, मुझे वो टाई वाली, सॉरी गिर गई, मुझे वो टाई वाली नहीं पसंद, ठीक है, वो बहुत उलझन करती है, ये इजी रहती है। ये देखें, ये ट्यूब कैप है, ठीक है, इसको ट्यूब कैप कहते हैं, और मेरे पास ये सिर्फ दो कलर्स में, आपको हज़ार कलर्स इसमें नहीं चाहिए, सिर्फ दो कलर ले लें, स्किन तीन ले लें या दो ले लें, मेरे पास वाइट और ये है, आप स्किन भी ले सकते हैं, स्किन ब्लैक ज़्यादा बेटर है, ठीक है, वाइट थोड़ा वाइब्रेंट हो जाता है, पर मैं सच बताऊँ तो मैं सिर्फ ब्लैक ही यूज़ करती हूँ। आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, ठीक है, मैं जब भी हिजाब करती हूँ मेरे नीचे से ब्लैक ही होती है अंडर कैप, तो बस यही वाली पहनती हूँ मैं, और यही एक मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसका स्टफ़ इतना सॉफ्ट है, ये आपको बिल्कुल भी, स्पेशली गर्मियों में हिजाब भी, इसको पता होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है हिजाब करना। सर्दियों में तो मज़ा आता है ना कवर, लेकिन गर्मियों में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी ये गर्मियों में भी जो है ना, ये कपड़ा ऐसे से अंदर से एयर ना गुजरती रहती है, तो फिर इसलिए आपको ये जो कैप है ना, ये वाली सबसे बेस्ट रहेगी, ये ट्यूब अंडर कैप आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पहला स्टेप है ना, उसमें आपको चाहिए ये स्क्रंची, ठीक है। ये अब ये XXL स्क्रंची है, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी मैंने ये कहाँ से लिया, शायद ये भी आपको वहीं से मिल जाए, ठीक है, मैं इन दोनों का ढूंढ के लिंक मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और ये तो रैंडम किसी भी जो है रेडी से आपको मिल ही जाएंगे, ये तो सबके पास होंगे, ये तो होते ही हैं, पर आपको ये XXL चाहिए, ठीक है। पहला मेथड इसके साथ है, आपने सिंपली, अब मैं आपको जो है अभी ऑफ कैमरा जाके पहनती हूँ अंडर कैप, फिर मैं आपको बताती हूँ, तो जो है नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ सिंपली आपने अपने इस कैचर के बाद, इस कैचर के ऊपर आपने देखें ऐसे अटैच करनी है ये, ठीक है, ऐसे आपको जब कैचर पहना होगा ये ऊपर ऐसे अटैच हो जाएगी, और इसके ऊपर जो है ना आपने ये कैप पहन लेनी, और देन बेसिकली सिंपल आपने हिजाब कर लेना है। तो पहला मेथड तो ये हो गया, सिर्फ आपने ये पहननी है, इस तरह पहनेंगे ना तो ये देखें, ये देखें मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, शायद नज़र आ रहा हो, इस तरह पहनेंगे तो ये ना वॉल्यूम दे देगी पीछे सारी जगह, देखें अभी भी अटैच होगी, तो इस तरह पहनेंगे तो वॉल्यूम दे देगी, और इसके ऊपर आप इजीली जो है जैसा आप हिजाब चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में जो है दिखाती हूँ कि कैसा लगता है इसको पहन के।
तो आपने देख लिया, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। इग्नोर, मैं बहुत अजीब लग रही हूँ इस टाइम। तो मैंने ना ये अंडर कैप जो है पहन लिया, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ कि आपने कैसे वॉल्यूम देना। अगर आपके पास ये नहीं है, उसके लिए आपको पहले कैप पहननी पड़ेगी, ठीक है। कैप मस्ट है क्योंकि ये बहुत अच्छी ग्रिप कर देती है। उसके बाद आप कोई भी, मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी आप जो होते हैं ना क्रिंकल हिजाब, ठीक है, सिल्वेट्स वाले, वो मेरे पास अभी इस वक्त पड़ा नहीं हुआ, वो ऊपर पड़ा हुआ शायद, तो ढूंढना पड़ेगा, वो ले लें, वो बेस्ट है, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अगर वह नहीं है तो कोई भी ब्लैक जो है ना कपड़ा या स्टोल ले लें, ठीक है, कपड़ा ले लें। गर्मियों में स्टोल बहुत, अभी तो सर्दी है ना तो चल जाएगा, स्टोल टाइप है, पर जो है गर्मियों में आप कोई पतला कपड़ा लीजिएगा ब्लैक, ठीक है। जैसे अंडर कैप है ना वैसे मैंने ब्लैक लिया। अब आपने करना क्या, सिंपली इसको डिवाइड करना है दो हिस्सों में, ठीक है। ये देखिए इस तरह आपने डिवाइड करना है, देन आपने पीछे ले जाके एक नॉट बांध के ना, एक नॉट बांधनी है, ठीक है, ऐसे एक नॉट बांध करके इसको ऐसे आगे ले आना है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लेके पीछे डाल देंगे, ठीक है, पीछे अंदर टक इन कर देना इसको ना, ऐसे अंदर टक इन कर देना, देन यहाँ से ये पकड़ के आपने इस तरफ पीछे अंदर ढकन। अब यहाँ पे आप चाहें तो पिंस लगा सकते हैं, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं आप पिंस नहीं लगा रही, वरना आप यहाँ पे पिंस लगा लें। मैं आपको पिंस भी दिखा देती हूँ कौन सी यूज़ करें। मैं बेसिकली यही पिंस यूज़ करती हूँ टकिन करने के लिए। अगर ये खुल जाएंगी तो एक और पिंस हैं जो आप लगा सकते हैं, ये इजिली मिल जाती है, इनको पियर पिंस कहते हैं, ठीक है। ये वाली पिंस है, ये लगा लें, ये खुलेगी भी नहीं और वो सेट भी रहेगा। तो बस आपने ऐसे ये करना है। अब मैं आपको इसके ऊपर हिजाब लेके दिखाती हूँ कि कितना सेट लगता है। ये देखिए मेरा हिजाब आया, मैं इसको आगे से थोड़ा सा जो है ना फोल्ड करूँगी ताकि अच्छे से सेट हो। तो मैं सेट करूँ इसको, थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, और ये हिस्सा ना मैं अंदर टक इन कर देती हूँ शर्ट के। आप चाहें तो ऐसे ही रखते हैं, करना है तो करना है। और सिंपली मेरा हिजाब यही होता है कि अगर आपको हिजाब पे भी चाहिए वीडियो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगी कि मैं हिजाब किस तरह के, दो स्टाइल्स का या तीन स्टाइल का, मैक्सिमम तीन स्टाइल का लेती हूँ मैं, वो आउटफिट के हिसाब से मैटर करता है। और ये चीज़ पीछे चली जाएगी सिंपली, ऐसे हिजाब भी आप ले सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, अब मैंने पिंस नहीं लगाई क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाना था, ठीक है। मैंने इसलिए पिंस नहीं दिखाई। मैं अगली क्लिप में आपको पीछे से भी सारा दिखाती हूँ और सारा ओवरऑल दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हिजाबी गर्ल्स के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था कि आपको दिखा दूँ ताकि समझ आ जाए, मैंने उतना पॉसिबल वे में दिखाया है। तो वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।